हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टैक्स इविजन क्या होती है, उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टैक्स इविजन क्या है, ये कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का पोर्शन है और ये यूजीसी नेट वाले स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं टू दी पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ टैक्स इविजन क्या है। तो देखेंगे, टैक्स इविजन को कहता है कि टैक्स इविजन एक प्रकार से टैक्स लाइबिलिटीज को रिड्यूस करने का एक प्रोसीजर और टेक्निक है। इसके अंतर्गत एसएससी क्या होती है, अपने रियल इनकम को नहीं शो करके गलत टाइप से अपने इनकम को रिप्रेजेंट करता है, जिससे कि उनका टैक्स लाइबिलिटीज रिड्यूस हो जाती है। उसे मैं टैक्स इविजन बोलता हूँ। क्या समझे कि टैक्स इविजन एक प्रकार का टैक्स लाइबिलिटीज को रिड्यूस करने का टूल्स एंड टेक्निक है, जिसमें कोई भी एसएससी अपने रियल इनकम को शो नहीं करता है, जिससे क्या उनका टैक्स लाइबिलिटीज कम शो करता है। जैसे मैं बताता हूँ उसमें क्या होता है, ये एक प्रकार का क्या है, इलीगल है, इलीगल एंड अनएथिकल प्रोसीजर है। क्या है, एक इलीगल है एंड अनएथिकल है, मतलब टैक्स इविजन करना हमारे इंडिया में इलीगल मानी गई है और साथ साथ अनएथिकल है, चूँकि ये नैतिकता के अगेंस्ट में है, इसलिए इसको बोला गया है ये एक प्रकार का एंटी ट्रेड है, एंटी ट्रेड है। ठीक है, एंटी सोशल है, साथ साथ एंटी नेशनल है, ठीक है, एंटी बिजनेस है, ये बिजनेस के खिलाफ है, एंटी बिजनेस है। समझ गए, टैक्स इविजन एक प्रकार के एंटी ट्रेड है, गैर व्यापारिक है, साथ साथ एंटी सोशल है, समाज का खिलाफ है, गैर सामाजिक है, एंटी नेशनल यानी कि राष्ट्र के अनहित में है, एंटी बिजनेस बिजनेस के अनहित में है, इसे मैं टैक्स इविजन कहता हूँ। क्या समझे, ये साथ साथ इलीगल और अनएथिकल है, अगर कोई पर्सन इंडिया में ऐसा करता है तो उसे जेल में डाला जाएगा, ठीक है, उसे कानूनन कार्रवाई की जाएगी, चूंकि ये इलीगल वर्क है। कैसे बचाता है टैक्स इविजन को, वो देखेंगे। प्रोसीजर इसमें क्या क्या होती है, प्रोसीजर फॉर टैक्स इविजन, तो देखेंगे इसमें क्या करता है एसएससी, अपना बोगस एक्सपेंस को शो कर देता है, ठीक है, मतलब झूठा एक्सपेंस को, गलत एक्सपेंस को शो कर देती है। इसके कारण क्या होता है, उसे रियल इनकम शो नहीं करती है, उनका जो इनकम होता है कम शो करती है, जिसके कारण उसे टैक्सेशन कम देनी पड़ती है, पहली बात। दूसरा, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कैपिटल गेन, जो कैपिटल गेन का इनकम होती है उसको डिस्क्लोज नहीं करती है, मतलब उसे रिवील नहीं कर पाती है, उसको इंटीमेट नहीं कर पाती है, जिसके कारण उस पर टैक्सेशन नहीं लगती है, ठीक है। साथ साथ नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कैपिटल गेन, उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ शो, कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, वो शो कर देता है, जो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है उसे बिजनेस एक्सपेंडिचर मान लेता है, ये हो जाती है, साथ साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर को एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर मान लेती है, और जो डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर है शो डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, यानी कि जो घरेलू खर्चा होता है उसे बिजनेस का खर्चा मान लेती है, जिसके कारण इनकम कम शो करती है, जिसके कारण एसएससी को टैक्स लाइबिलिटीज रिड्यूस हो जाती है, ये भी होती है। साथ ही साथ क्या होता है, ऑन रिकॉर्डेड सेल्स, मतलब सेल्स को रिकॉर्ड ही नहीं करता, मतलब 10 लाख या अंडर रिकॉर्डेड ऑफ सेल्स, मतलब कि सेल्स को कम शो किया जाता है, उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपको टैक्स का रिड्यूस करने का एक प्रोसीजर्स हो गया, ठीक ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर हम लोग मान लिए, और साथ ही साथ अनरिकॉर्डेड सेल्स हो गया, ठीक ना, ये सारा प्रोसीजर है जिससे मेरा टैक्स इविजन होती है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आज की क्लासेस यहीं पर एंड हो रही है।